बातें मन में ना रखे, बातों को बोले राजा जी। प्रेम चीज है भारी, इसे पैसों से ना तोले राजा जी। आप तो जानते हैं सब कुछ, ना बनिए भोले राजा जी। कमरिया गोले 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 डोले राजा जी। खैर, डोल तो पूरा देश रहा है, क्योंकि चुनाव का माहौल है, सिस्टम में झोल है। घूम लीजिए रैली में, गाड़ी में फोकट का पेट्रोल है। खैर छोड़िए पेट्रोल डीजल, आ गया फोडकास्ट का नया सीजन का एपिसोड नंबर 2। स्वागत करते हैं आप सभी का। तो आज हमारे फोडकास्ट के इस एपिसोड में आ रहे हैं मेहमान, नहीं कैंडिडेट, जी हाँ, यूपी पुलिस के कैंडिडेट, हाल ही में चर्चा में रहे परीक्षा यूपी पुलिस के कैंडिडेट, जो कि हमें परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं। स्वागत करते हैं यूपी पुलिस के कैंडिडेट श्री भूषण पांडे का। हाँ तो भूषण जी, कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट के दूसरे एपिसोड में आकर? छुट्टी है क्या? बोले हम बोले कि छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। ओ हाँ हाँ, संडे है, छुट्टी है, सही। अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं आज? स्मार्ट लग रहा है कि नहीं? चश्मा स्मार्ट लग रहा है। हाय 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 हाय, निहायत ही मनहूस लग रहा है। उतने भी बुरे नहीं हैं हम। अरे हैं हैं, एकदम है, थोड़ा हंसिए तो। ये कह रहा मैं, थोड़ा देखो चीज का, तुम्हारा मेरा भाईयात लग रहा है। सही में भाईयात लग रहा है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाईयात में भी तो एक वाह होता है ना। खैर छोड़िए, बताइए कब था आपका एग्जाम और कैसा गया? जी कल ही था, 17 फरवरी को। और अच्छा गया? अच्छा गया या बढ़िया गया, मतलब कितना? अरे मतलब क्या, अटेम्प्ट में 130 अटेम्प्ट किए हैं, 150 क्वेश्चन में से 48 लाख फॉर्म भरा गया है, बेरोजगारी एकदम चरम पे, देखिए कट ऑफ कितना बनाता है, इसमें मतलब क्या बात है? अरे अरे बिगड़िए मत, मतलब हम सुने थे कि पेपर इजी था। इजी था बताइए, पॉडकास्ट को फोडकास्ट लिखते हैं, पेपर को इजी लिखते हैं, तो होस्ट को क्या लिखेंगे? अरे होस्ट को मतलब चूतिया, क्या लिखेंगे? चूतिया। ये कैसा सवाल था? बेटा ये था रीजनिंग, अब बताओ ये था गिटा। अरे तो सीधे सीधे बता देते कि आसान नहीं था, इतना एक्सप्लेनेशन का क्या जरूरत था? वो यूपीएससी का एग्जाम देते देते एक्सप्लेनेशन देने का आदत हो गया है। आईपीएस बनना था पहले हमको, आईपीएस नहीं बने तो यूपी पुलिस पे आ गए, गुणा में रह जाता है ना जी। यूपीएससी? हाँ, 2 बार प्रीलिम्स निकाले हैं, मेंस में नहीं हुआ, वही डिप्रेशन हमारा एक्सप्रेशन बदल गया है। अरे सर, सच में बेरोजगारी चरम पर है, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आपका स्ट्रेंथ क्या है, फेवरेट सब्जेक्ट सबसे मजबूत? अभी एक जबड़ में समझ में नहीं आया। रीजनिंग। अच्छा छोड़िए, खैर ये बताइए, देश में युवाओं की स्थिति कैसी है? जी बहुत जर्जर है, अब हमें ही देख लीजिए, यूपीएससी से सीधा यूपीपी पे आ गए, आईपीएस से हम सिपाही पे, समझ जाइए। भूषण जी, आपको ये नहीं लगता कि आप जैसे आईएएस पीसीएस के एस्पायरेंट्स छोटी परीक्षाओं में भाग लेकर छोटे एस्पायरेंट्स का मनोबल डाउन कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रहे हैं? जी आपका क्वालिफिकेशन क्या है? जी हम पोस्ट ग्रेजुएट है, पीजी एमएससी फिजिक्स से। तो जाकर साइंटिस्ट प्रोफेसर बनी है, यहाँ क्या कर रहा है? जी 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 वो जी शौक था, शौक था, शौक। हाँ तो शौक था तो एमएससी क्यों की है? कम से कम यही करते, 1-2 मिलियन सब्सक्राइबर होते आपके, आज किसी बड़े सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लेते, हम जैसे बेरोजगारों का कह देते। बताइए इतना बेइज्जती हो गया, कम से कम अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, करवा दीजिए, ही इतना था गली मोहल्ला आस पड़ोस, 1-2 मिलियन 4-5। खैर छोड़िए भूषण जी, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश पुलिस की 60,000 वैकेंसियों से क्या उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी? जी पूरी तरह तो नहीं होगी, लेकिन हाँ ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है, 60,000 पदों पर भर्ती कराना, ये कोई छोटी बात नहीं है। जी बिल्कुल सही। सत्रह फरवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर लीक। अरे हमारा था, अरे ये क्या हो गया? फरवरी
फरवरी सेकेंड शिफ्ट का पेपर चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, चार्ज मात्र 1000 रुपए। पेपर लीक हो गया, पेपर आउट। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे पुलिस के पेपर नहीं करवा पाए लोग, ये क्या हो गया? नहीं, पेपर कैंसिल करो, पेपर कैंसिल करो, पेपर कैंसिल करो। अब तक था सब ठीक, तब तक हो गया पेपर लीक। कोई बात नहीं, इसका तो आदत है, यूपी में होता रहता है, होता रहता है। नहीं होता तो आज हम भी मास्टर होते हैं। कोई बात, मिलते हैं एपिसोड 3 में। ए कैमरामैन, पेपर लीक हुआ है, 1200 में किसी को चाहिए तो बताना।